हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? इन येस्टरडे टॉपिक यू हैव रीड अबाउट साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, वेयर यू हैव रीड माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी एंड राइबोसोम्स एंड सो मैनी थिंग्स. टूडेज टॉपिक इज न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, टाइप ऑफ सेल एंड डिफरेंस बिटवीन सेल, मीन्स कितने टाइप की सेल है और उसका डिफरेंसेस. So this is today's topic. We will start from, yes, listen student, after this lecture I will give you home assignment, then you will assess, you will get a home assignment from Arsal, and before due date you will submit it. Okay student, so date ka dhyan rakhna aur samay ke pehle usko submit karna hai. So today's topic is nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो नहीं होता, बट उसकी जगह पे उसका स्ट्रक्चर होता है. बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज वेरी प्रोमिनेंट. इन ईच यूकैरियोटिक सेल यूजुअली वन बट समटाइम्स मोर देन वन. कभी कभी एक न्यूक्लियस भी होता है और कभी कभी एक से ज़्यादा होते हैं. यूजुअली सेंट्रिक मीन्स सेंट्रल पे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल. बट समटाइम्स एसेंट्रिक, प्लांट सेल में बीच में नहीं होते, किनारे पर होते हैं. यूजुअली स्फेरिकल बट समटाइम्स अदर शेप्ड. इसका काम क्या है? इट्स कंट्रोल्ड सेंट्रल कॉल्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. कंट्रोलिंग सेंटर है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है. द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सेल के अंदर जितनी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं ऑल आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गनेल्स. कितना प्रोटीन सिंथेसिस होना है, कौन सा सेलुलर ऑर्गनेल्स फॉर्म होना है, ये सब किससे कंफर्म होता है? न्यूक्लियस के थ्रू. मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गनेल्स बाय कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का सिंथेसिस भी इसी से ही कंट्रोल हो रहा है. हैंस इट इज सेड सेल विदाउट न्यूक्लियस इज विदाउट फ्यूचर. यदि सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उस कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि सेल ही में इनहेरिटेंस का नेचर होता है. द न्यूक्लियस इज बाउंडेड डबल मेम्ब्रेन. कैसा है ये डबल मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. पोरस सिलेक्टिव परमेबल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क है वही इसका भी कैसा है? सिलेक्टिव परमेबल. न्यूक्लियर एनवलप मीन्स न्यूक्लियर के ऊपर एक लेयरिंग होती है. इट इज़ फिल्ड विथ क्लियर जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. सी हियर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म दिया हुआ है. दिस वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म. एटलीस्ट वन न्यूक्लियस और नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. देयर इज वन न्यूक्लियोलस. दिस वन इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है. दिस वन इज न्यूक्लियोलस. ऑलरेडी गिवन देयर न्यूक्लियोलस एंड इट्स नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन. ये दिस वन ये क्रोमेटिन रेटिकुलम. आर यू क्लियर? एंड इट इज फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म. द न्यूक्लियस इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. इसमें जो ये न्यूक्लियोलस है, दिस वन ये न्यूक्लियोलस, ये किससे कंसर्न कर रहा है? राइबोसोम से. द क्रोमेटिन रेटिकुलम कंडेंस्ड इनटू स्मॉल एंड थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये थिक फॉर्म पर आ जाते हैं एंड विजिबल हो जाते हैं. इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. मीन्स यही क्रोमेटिन किसमें थिक होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी थिक एंड बिकम क्रोमोसोम्स. आर यू क्लियर? क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. और ये प्रोसेस कब हो रही है? सेल डिवीजन के समय पर. द क्रोमोसोम्स बियर द हेरिडिटरी यूनिट. और क्रोमोसोम्स क्या है? हेरिडिटरी यूनिट. हेरिडिटरी यूनिट किसको कहते हैं? जो इंफॉर्मेशंस को, सेल की इंफॉर्मेशंस को नेक्स्ट जनरेशन पर लेकर जाता है. इट इज कॉल्ड एज जीन्स. जीन्स विच ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. जीन का क्या काम है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, विच ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम
पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग्स पर ले जाता है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशंस, ट्रांसमिट, और इट इज डन बाय जीन. जीन हेरिडिटरी यूनिट, कौन सी यूनिट ये? हेरिडिटरी यूनिट. क्लियर स्टूडेंट? द जीन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए. किससे बना हुआ है ये? किससे बना है? डीएनए. कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए. डीएनए मींस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. तो ये क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन भी है, एसिड है ये. डीएनए क्या है? ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. नाउ सेकंड टर्म इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पीशीज टू स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिफाइंड इन द सेल ऑफ ईच स्पीशीज. मीन्स इसका डेफिनेट नंबर होता है. क्रोमोसोम्स का क्या होता है? डेफिनेट नंबर होता है इन ईच स्पीशीज. जस्ट लाइक एस्केरिस और म्यूकर, देर आर टू क्रोमोसोम्स, मतलब मीन्स टू क्रोमोसोम्स और वन पेयर. ड्रोसोफिला 8 क्रोमोसोम्स और 4 पेयर. पी 14 क्रोमोसोम्स और 7 पेयर. फ्रॉग 26 और 13 पेयर. सो यू कैन सी बाय दिस टेबल देर आर डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एंड इट इज स्पेसिफिक इन ईच एंड एवरी स्पीशीज. लॉयन कैट और टाइगर 38, रैट और बीट 42, रैबिट में 44 क्रोमोसोम्स हैं, और इसको यदि पेयर के फॉर्म पर देखें तो 22 पेयर. ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर. सो दीज आर द सम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स. एंड दिस टेबल शो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्रोमोसोम्स नंबर. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. नाउ थर्ड वन इज फंक्शंस. फंक्शंस क्या है? दिस इज द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स. फंक्शंस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ये क्या कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल ऑल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेकेंड, इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू. थर्ड वन, इट्स रेगुलेट सेल डिविजन. देर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट अकॉर्डिंग राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट. स्पेसिफिक इट इज स्मॉलेस्ट इट इज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्लास्टिड्स के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर. प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स. प्लास्टिड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स ठीक है. और माइटोकॉन्ड्रिया इट इज लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स किस में है? एनिमल में. एनिमल सेल का लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स. नेम्स ठीक है. न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर. सो दे आर सम फैक्ट. Some fact about cell. Now next point is type of cell. So next point is type of cell. Depending on the structure, the cell are the two type. Cell कितने type के? Two type की. First prokaryotic cell, then eukaryotic cell. In previous lecture we have learned all
स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दिस इज फिगर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज फ्लैजिलम एंड जो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस वन, ये जो स्मॉल है ये दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल जो इसकी सेल के चारों तरफ होता है, दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है, दिस वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस की जगह पे क्या है न्यूक्लियोइड्स, दिस इज स्पेसिफिक फीचर। सेकेंडली देयर इज नो सेलुलर ऑर्गनेल्स, कोई भी सेलुलर ऑर्गनेल्स नहीं है और हैं भी तो बहुत ही वो अनक्लियर्ड है, वो क्लियर फॉर्म पर नहीं है, और न्यूक्लियस की जगह पे क्या है न्यूक्लियोइड्स है, डीएनए एक क्वाइल्ड फॉर्म पर है और नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियोप्लास्ट, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नथिंग सेलुलर ऑर्गनेल्स इज देयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जांपल्स बैक्टीरिया, कौन सा है ये बैक्टीरिया, ठीक है, इसका एग्जांपल्स बैक्टीरिया है और ये टिपिकल एग्जांपल्स है, बाकी बहुत सारे अन्य सो मैनी एल्गीज आर देयर दैट शो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स है ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल दीज आर द सेल विच प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड न्यूक्लियोइड, द न्यूक्लियस इज विदाउट एनी न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस कैसा है न्यूक्लियस कैसा है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर एनवलप, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेल्स आर एब्सेंट, दे आर फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी आई हैव ऑलरेडी गिवेन यू, ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा एंड PPLO प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो दीज आर द सम स्पेसिफिक पॉइंट्स अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, सो दिस इज टाइप ऑफ सेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो डिफरेंसेस वी विल रीड इट डिफरेंसेस इन डिफरेंट पॉइंट, फर्स्ट वन जनरल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड साइज, थर्ड मेम्ब्रेन बेस्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ राइबोसोम, फिफ्थ न्यूक्लियस। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम इन विच सेल इज सराउंडेड, प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन, इसमें क्या है सिंगल मेम्ब्रेन, आर यू क्लियर, हैविंग वन सेल मेम्ब्रेन एंड अदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स ही नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे ही नहीं, तो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। सेकंड कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, ये साइज है और यूकैरियोटिक सेल का 5 to 15 इन साइज, क्लियर, माइक्रॉन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोफिलामेंट्स आर एब्सेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कुछ भी नहीं है, इसमें ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। राइबोसोम्स, फ्री ऑकरिंग राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स फ्रीली प्रेजेंट हैं और राइबोसोम्स में भी फ्री ऑकरिंग और अटैच्ड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स है टू टाइप्स हैं, एक तो वो फ्रीली भी ऑकर हैं एंड सेकेंडली इट इज़ अटैच्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस, और यहाँ न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिलिमिटेड बाय डबल न्यूक्लियर एनवलप इज प्रेजेंट, इसको नो ट्रू न्यूक्लियस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियोप्लास्ट, नो न्यूक्लियस, बट उसकी जगह पर एक क्वाइल्ड फॉर्म पर डीएनए होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज नॉट ट्रू न्यूक्लियस। सो दीज आर द सम स्पेसिफिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नाउ आफ्टर दैट आई जस्ट गिव यू सम पॉइंट्स और सम की पॉइंट्स जस्ट लाइक इट इज विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, दिस की पॉइंट्स इज फर्स्ट इज सेल, हाउ टू डिफाइन टर्म सेल,
द स्मॉलर यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्रोमेटिन रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटीरियल इन द न्यूक्लियस और नॉन डिवाइडिंग सेल. देन क्रोमोसोम्स थिक एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बेयरिंग जीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. दिस इज द डेफिनेशन विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल इज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. जिसमें आपने ये पूरे सेलुलर ऑर्गेनेल्स रीड किए हुए हैं. फिर आता है यूकैरियोट, अ सेल विच आर एडवांस्ड न्यूक्लियस. दिस वन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. यूकैरियोट ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. देन ऑस्मोरेगुलेशन, आपने रीड किया हुआ था ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस को मेंटेन करता है सेल सैप. सो क्या है ये? टू मेंटेन द वाटर कंटेंट्स कॉन्स्टेंट इन द बॉडी. बॉडी के अंदर कितना वाटर कंटेंट्स है उसको कॉन्स्टेंट रखता है. दिस इज ड्यू टू वाई ड्यू टू प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन. देन PPLO वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. स्मॉलेस्ट सेल प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. प्रोटोप्लास्ट स्मॉल स्पीक्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट फॉर्म वन सेल. टोनोप्लास्ट मैम्ब्रेन कवरिंग वैक्यूल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जो प्लांट सेल पर होती है टोनोप्लास्ट. सो दीज आर द सम टर्म्स विच वी हैव डिस्कस. नाउ स्टूडेंट आई जस्ट गिव यू सम होम असाइनमेंट. नाउ स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग टूडे वी हैव कंप्लीट चैप्टर फिफ्थ यूनिट सेलर सेल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. वी हैव कंप्लीटेड दिस वन. नाउ यू हैव टू डू ऑल NCERT क्वेश्चंस एंड सम क्वेश्चंस वी आर जस्ट गिव यू एज अ होम असाइनमेंट दैट यू विल टेक फ्रॉम और यू विल गेट फ्रॉम अर्सल एंड बिफोर टाइम बिफोर ड्यू डेट यू विल सबमिट डेट वी विल सबमिट विथ होम असाइनमेंट. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.